चले। तो बैटरी का जो मेन मेन भाग था ना वो तो कर लिए थे, इलेक्ट्रोड पढ़ लिए थे, प्लेटें पढ़ ली थी, कवर पढ़ लिया था, चार्जिंग तथा डिस्चार्जिंग पे क्या क्या बनेगा वो सारा कर लिया था। अब पढ़ेंगे बैटरी में दोष। बैटरी में दोष, भाई कोई चीज काम करी तो वो दोष तो उत्पन्न होंगे होंगे ना, बाइक चला रहे हो बाइक भी तो खराब होती है। तो बैटरी में दोष, बैटरी में जो दोष होते वो चार दोष होते, कितने दोष होते? चार दोष होते। मैंने कहा सर चार, संख्या में कितने होते हैं ये? चार। पहला जो पढ़ोगे उस दोष का नाम है सेडिमेंटेशन दोष। कौन सा नाम है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन दोष। पहले दोष का क्या नाम है? सेडिमेंटेशन दोष पढ़ रहे हैं आप। अच्छा, सेडिमेंटेशन दोष किसको बोलते हैं? बैटरी की तलहटी में, बैटरी की तलहटी में गंदगी का इकट्ठा होना, बैटरी की तलहटी में, बैटरी की तली में या तलहटी बोल दो, बैटरी की तलहटी में, तलहटी में गंदगी का इकट्ठा होना, गंदगी का एकत्रित होना, इकट्ठा होना, एकत्रित होना, कौन सा दोष कहलाता है? सेडिमेंटेशन दोष। चले आगे। अच्छा, उत्पन्न कैसे होता है ये बता सकते हो आप? कारण क्या इसका? प्लेटें गल जाती इससे, हाँ, लुगदी का सूकर जड़ना, लुगदी का सूकर जड़ना, लुगदी का सूख कर जड़ना, जड़ना कौन सा दोष उत्पन्न करता है? सेडिमेंटेशन दोष। अच्छा, नीचे गंदगी होगी, एक सेल की गंदगी दूसरे सेल में गंदगी में जाने से कौन रोकता? कल पढ़ा था ना, सेपरेटर और वेंट प्लग क्या काम करते थे? गैस बैलर को बाहर निकालना और पानी डालने के लिए। चलो, तो सेडिमेंटेशन बैटरी की तलहटी में गंदगी का जम होना, कारण क्या इसका? लुगदी का सूकर जड़ना। चलो आगे, तो निवारण बताओ इसका, निवारण क्या करें? कोई आदमी बीमार हो जाता है उसका इलाज करवाते हैं ना, या क्या करें भाई? ये इसको सूखने मत दो ना, लुगदी को सूखने मत दो, सूखने के लिए क्या कराया थे? इलेक्ट्रोलाइट का स्तर, इलेक्ट्रोलाइट का स्तर, का स्तर प्लेटों से 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर ऊपर रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है, रखा जाता है, 5 सेंटीमीटर नहीं, 5 सेंटीमीटर की बैटरी में इतना आ जाता है यार, 5 सेंटीमीटर 0.5 होता है, कितना होता है? अगर मैंने पहले वाले एग्जाम में, मेरे को याद आ रहा है, मैंने डायग्राम में 5 सेंटीमीटर लिख दिया था, होता कितना? 0.5 सेंटीमीटर, कितना होता है? 0। इतना थोड़ी ऊपर भर के रखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए आपको भी, मेरे को बताना चाहिए था। चले आ जाओ। तो सेडिमेंटेशन दोष बैटरी की तलेटी में कारण क्या इसका? दूर कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट जो है उसको प्लेटों का स्तर क्या रखें? प्लेटों से 0.5 सेंटीमीटर ऊपर रखो, तो इस दोष का निवारण हो जाएगा। उसके बाद अगला दोष पढ़ोगे आप, कौन सा पढ़ ले? चलो कोरोजन लिख लो, कोरोजन दोष। चलो आगे, कोरोजन दोष बैटरी के टर्मिनल पर, बैटरी के टर्मिनल पर ऑक्साइड की परत आ जाना, ऑक्साइड की परत का आ जाना, परत का आ जाना, कौन सा दोष कहलाता है? पिचके पिचके तो खाने गए होगे कभी, वो बैटरी लगा के रखता है, वो क्या करता रहता है, वो प्लग, वो चिमटी नहीं होती उसको लगा के रखता है, फिर क्या होता है, उसकी लाइट थोड़ी कम आने लग जाती है, तो चिमटी हटाता है, कपड़ा लेता है, उसको रगड़ के साफ करता है, फिर लगा देता है, कभी उसको देखना इसके बार बार है ना, व्हाइट कलर की है, हल्के ग्रीन कलर की परत आ जाती है, उस परत को क्या बोलते हैं? कोरोजन दोष। कौन सा दोष बोलते हैं? कोरोजन दोष बोलते हैं। अब तो बैटरी के टर्मिनल पर किसकी परत आ जाना? ऑक्साइड की परत आ जाना, कौन सा दोष उत्पन्न होता है? कोरोजन दोष उत्पन्न है। ये ऑक्साइड, ये तांबा तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, तांबा तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, वातावरण की कमी के कारण आते हैं, नमी आ गई इसके कारण। चलूं आगे,
अच्छा इसका मेन पता कैसे चलेगा? इस दोष के कारण, कौन सा दोष पढ़ रहे हो आप? कोरोजन। इस दोष के कारण कारण कनेक्टिंग टूल को, कनेक्टिंग टूल को, चाहे आपने कनेक्ट क्या कर रखा है, चाहे ट्यूबलाइट जोड़ रखी हो, चाहे आपने कुछ जोड़ रखा हो, कनेक्टिंग टूल को पूर्णतः पूर्णतः धारा नहीं मिल पाती, नहीं मिल पाती। चलूं आगे, ऑक्साइड के परत आगे तो जितनी धारा जानी चाहिए उतनी धारा जाएगी नहीं। चलूं आगे, तो ये दोष कौन सा कहलाता है? कोरोजन दोष। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, क्या मेरे बैटरी के टर्मिनल काफी समय से काम में ले रहे हो, आपने जोड़ा लेकिन उसको पूर्णतः धारा नहीं मिल रही है, चार्ज वो फुल है, बैटरी अपनी चार्ज फुल है लेकिन पूर्णतः धारा नहीं मिले, इसका क्या कारण हो सकता है? कोरोजन दोष होगा। चलो आगे, अच्छा निवारण बताओ क्या कर सकते हैं, निवारण बताओ क्या करें? चलो निवारण क्या करें सर, अब कोई चीज गंदी हो रही है तो उसको साफ करो। पहला निवारण क्या करेंगे? समय समय पर, समय 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 पर टर्मिनलों को गर्म पानी से, गर्म पानी से साफ किया जाता है, पानी से साफ किया जाता है। फिर क्या करें? टर्मिनलों पर, टर्मिनलों पर ग्रीस का, किसका? ग्रीस का हल्का लेप कर, हल्का लेप किया जाता है, लेप किया जाता है। अब आपको पता है चिकनाहट पे कभी पानी रुकेगा नहीं, नमी रुकेगी नहीं, आपको पता है ना इस चीज का, इसलिए वो लगा देते, तो इस दोष उत्पन्न ही नहीं होगा। चले आगे, दोबारा देख लो, दोष पढ़ लिया आपने, दो पहला दोष है सेडिमेंटेशन, दो सेडिमेंटेशन देना इसका टक्कर, सेडिमेंटेशन दोष। अब इनका सेडिमेंटेशन दोष किसको बोलते हैं? बैटरी की तलहटी में, बैटरी की तलहटी में, बैटरी की तली में गंदगी का इकट्ठा होना कौन सा दोष कहलाता है? सेडिमेंटेशन दोष कहलाता है। कौन सा दोष कहलाता है? सेडिमेंटेशन दोष कहलाता है। चलो कारण उत्पन्न क्यों हो रहा है ये दोष, भाई गंदगी आई कहां से बैटरी में? सबसे पहले वो सोचने वाली बात है कहां से आई, उस पर आपने एक पेस्ट कर रखा है, प्लेटों पर जो पेस्ट किया, जो लुगदी की है PbO3 की, वो सूख करके आ जाती है, नीचे जड़ जाती है, जिससे ये दोष उत्पन्न होता है। तो निवारण क्या करें? सूखने मत दो लुगदी को, उसमें पानी क्या डाल दो, 0.5 सेंटीमीटर ऊपर कर दो। चलो आगे, उसके बाद दूसरा दोष कौन सा था? कोरोजन दोष। कौन सा दोष है? बैटरी के टर्मिनलों पर, बैटरी के ऑक्साइड की परत का आ जाना कौन सा दोष कहलाता है? कोरोजन दोष कहलाता है। चलो अगर निवारण के लिए, इस दोष के अंदर होता क्या है, दुख क्या होता है कि जो आपने टूल जोड़ा है, जो कोई भी टूल जोड़ा उसको पूर्णतः धारा नहीं मिल पाती। चलो आगे, तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? पहले तो इसको क्या कर दो, गर्म पानी से साफ करो बढ़िया से, उसके बाद ग्रीस का क्या कर दो, हल्का लेप कर दो, जिससे दोष दूर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, एक बार ढंग से देख लो फिर से, पहले फट रहा है क्या कुछ करवा रहा हूं, जो समझ आ रहा है फिर से बोल रहा हूं, समझ आ रहा है जो करवा रहा हूं, पहले फट रहा है ना कोई चीजें, नहीं आई तो हाथ खड़े करके पूछ लेना, बैठा मत रहना दोनों की तरह। आगे तीसरा दोष पढ़ोगे आप, इसका नाम है बकलिंग दोष, बकलिंग दोष। चल आगे, बैटरी के, बैटरी की प्लेटों का, बैटरी की प्लेटों का एंट कर मुड़ जाना, एंट कर एंट कर मुड़ जाना, मुड़ जाना कौन सा दोष कहलाता है? खड़ी प्लेट होती है, हल्के लेके आते आगे से मुड़ जाती है, प्लेट क्या होगी टेढ़ी हो जाती है कई बार। चलो आगे, तो ये दोष क्या कहलाएगा? बकलिंग दोष। बैटरी की प्लेटों का, बैटरी की प्लेटों का एंड कर मुड़ जाना कौन सा दोष कहलाता है? बकलिंग दोष। चलो आगे, कारण किस कारण से उत्पन्न हुआ वो देखो, बैटरी को बैटरी की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, जब आप बैटरी क्या करते हो, या तो चार्ज करते हो या डिस्चार्ज करते हो, बैटरी की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करंट का अधिक होना, करंट का अधिक होना से कौन सा दोष उत्पन्न होता है? बकलिंग दोष। आप भी अपने फोन को कहते हैं ना कि ज्यादा देर चार्ज नहीं लगाना चाहिए, नहीं बोलते क्या? 100% कभी नहीं मत करो, 90% ही रखो या 80-85 रखो, नहीं बोलते क्या कभी कभी? तो ऐसा क्यों? ज्यादा देर ओवर करंट हो जाएगा तो उसमें दोष कौन सा उत्पन्न हो जाता है? बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। चलो आगे,
बकलिन दोष उत्पन्न होता क्यों कारण है? बैटरी की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करंट का अधिक होना। तो निवारण क्या करे सर इसका, निवारण बता सकते हो क्या होगा? लिमिटेड कितना? 80। इसकी फिक्स होती है चार्जिंग करंट कितनी होनी चाहिए बैटरी की? चार्जिंग करंट करंट 6 एम्पीयर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 6 एम्पीयर से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये, बैटरी को कितने से जब चार्ज कर रहे हो तो उसमें करंट का मान कितना होना चाहिए? 6 एम्पीयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो डिस्चार्ज कितने पे करें? डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट करंट 25 एम्पीयर से अधिक नहीं होना चाहिए, से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप फोन आपका बंद हो रहा बार बार फिर भी आप उसको ऑन कर रहे हो, चला रहे हो, ऑन कर रहे हो, चला रहे हो, कई बार होता है ना ये थोड़ा और काम कर ले, थोड़ा और काम कर ले, वो भी आपको नहीं करना चाहिए, आपको चार्ज लगा लेना चाहिए। चले आगे तो दोबारा देख लो, बकलिंग दोष बैटरी की प्लेटों का एंड कर मुड़ जाना, बकलिंग दोष कहलाता है। कारण किस कारण से होता है? बैटरी की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग करंट का ओवरलोड होना। चलो आगे, तो चार्जिंग करंट का मान कितना होना चाहिए? बैटरी को 6 एम्पीयर से ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, 25 एम्पीयर से ज्यादा डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। चलें आगे, चौथा दोष सल्फेशन दोष, सल्फेशन दोष। आईटीएम क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी वेरी मोस्ट है सल्फेशन दोष। चलो आगे, इसके एक विधि भी है पूरी की पूरी चार्जिंग विधि, इसी के लिए बनाएगी सल्फेशन दोष। बैटरी में, बैटरी में इलेक्ट्रॉनों का स्तर, इलेक्ट्रॉनों का स्तर, स्तर घटना। बैटरी में अगर इलेक्ट्रॉनों का स्तर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो कौन सा दोष कहलाता है? सल्फेशन दोष कहलाता है। अच्छा, या बैटरी को लंबे समय तक, लंबे समय तक काम में नहीं लेने पर, लंबे समय तक काम में नहीं लेने पर, नहीं लेने पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है? सल्फेशन दोष। कई बार क्या बैटरी सालों साल पड़ी रहती है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का स्तर क्या हो जाता है? कम, भाई क्रिया बंद हो जाती है, होती नहीं है, तो सल्फेशन दोष क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। ये तो था कारण, निवारण देखो। निवारण, इस दोष को, वेरी मोस्ट विधि है, पूछा जाएगा। निवारण, इस दोष को, कौन सा दोष पढ़ रहे हो आप? सल्फेशन। इस दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग विधि, ट्रिकल चार्जिंग विधि, चार्जिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अभी ट्रिकल चार्जिंग विधि कौन सी? मैं चार्जिंग विधि पढ़ाऊंगा आपको, स्थिर वोल्टेज विधि, स्थिर करंट विधि और ट्रिकल चार्जिंग विधि, बैटरी चार्जर। इस ये एक मात्र विधि है जो किसके लिए बनेगी? सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए, पर्टिकुलर इसके लिए बनेगी। इसके अंदर होता क्या है, बैटरी को है ना कई हफ्तों तक, कई हफ्तों तक क्षमता का 1-2% देकर क्या किया जाता, चार्ज किया जाता, कई हफ्तों तक चार्ज लगा के छोड़ दिया जाता, जिससे इस दोष को क्या किया जाता है? निवारण किया जाता है। ट्रिकल चार्ज विधि के अंदर क्या होता है, बैटरी को लंबे समय के लिए क्या कर दिया जाता है, क्षमता का 1-2% देके चार्ज किया जाता है। चलेंगे आगे, तो ये दोष है चार, देखो फिर चलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट है ध्यान रखना। सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करता है? ट्रिकल चार्जिंग विधि का आएगा ये क्वेश्चन, कंफर्म ध्यान रखना। ये थी आपकी द्वितीयक सेल जो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला सेल पढ़ोगे उसका नाम है निकल आयरन सेल, अगला जो पढ़ रहो निकल आयरन सेल, निकल आयरन सेल। चलो आगे, पहली बात है ये सेल, ये सेल लेड एसिड बैटरी से, लेड एसिड बैटरी से आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। पहली बात तो ये, निकल आयरन सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं? आकार में छोटे होते हैं लेड एसिड बैटरी से। चलेंगे, लेड एसिड बैटरी तो बड़ी बड़ी आती है ना, चलो आगे। निकल आयरन सेल क्या होते हैं आकार में छोटे, मोबाइल फोन और में यूज होते हैं ये। अगला, प्रति सेल वोल्टेज, प्रति सेल वोल्टेज, प्रति सेल वोल्टेज का मान कितना होता है इनका? 1.2 से 1.5 वोल्ट, 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। चलो आगे, अगला दक्षता,
निकल आयरन सेल की जो दक्षता होती है वो होती है 72 से 80%, 72 से 80%, 72 से 80%। द्वितीयक सेल की कितनी होती है? द्वितीयक सेल की 85 से 90%, 85 से 90%। वो जो नोट्स है उसमें कहीं अटका लेना। द्वितीयक सेल की जो दक्षता होती है वो कितनी होती है? 85 से 90%। चलो आगे, इनकी जो दक्षता होती है वो कितनी होती है? 72 से 80%। अगला, इस सेल की दोनों प्लेटों पर, दोनों प्लेटें निकल आलेपित होती है, निकल आलेपित होती है, निकल हाइड्रेट आलेपित होती है। फॉर्मूला लिख देता हूं, किसी को समझ आएगा। NH निकल, निकल NiOH निकल हाइड्रेट आलेपित होती है, आलेपित होती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ध्यान है, निकल आयरन जो सेल है, निकल आयरन सेल की जो दोनों प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें हैं, उन पर किसका लेपन किया जाता है? निकल आलेपित, निकल आलेपित या निकल हाइड्रेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? निकल हाइड्रेट, निकल, निकल हाइड्रेट, निकल हाइड्रेट। चलो आगे, अगला, इस सेल सेल में निकल हाइड्रेट, निकल हाइड्रेट धनात्मक प्लेट का कार्य करता है, किसे काम करता है? धनात्मक प्लेट का कार्य करता है, कार्य करता है। तो यहां से क्वेश्चन उठेगा कि आपका जो निकल आयरन सेल का है, जो एनोड है, वो किसका बना होता है? अरे धनात्मक प्लेट ही तो एनोड होता है, एनोड किसका बना होता है? निकल हाइड्रोक्साइड। या आपको सीधा याद रखना, पहला नाम किसका आ रहा है? निकल। तो ये तो बनेगा एनोड, एनोड किसका बना होता है? निकल। और सेकंड नंबर पे क्या होता है? कैथोड। तो कैथोड किसका बनेगा? आयरन का, लोहे का बनता है। भाई यहां से तो सीधा याद हो ही रहा है, निकल आयरन सेल, निकल आयरन, पहला नाम किसका आ रहा है? एनोड का। तो एनोड निकल किसका बनेगा? एनोड का। सो एनोड सॉरी निकल का बनेगा, कैथोड किसका बनेगा? आयरन का। अगर पूरा नाम पूछ ले तो क्या होगा? निकल हाइड्रेट, निकल हाइड्रेट का बना होता है। अगला, इस सेल में, इस सेल में छोटी छोटी पॉकेट बनाई जाती है, छोटी छोटी पॉकेट बनाई जाती है, पॉकेट बनाई जाती है, बनाई जाती है, जाती है, जिनमें जिनमें फेरस हाइड्रेट, फेरस हाइड्रेट भरा आ जाता है। लिख देता हूं, फेरस हाइड्रेट, फेरस हाइड्रेट भरा जाता है, भरा जाता है, जो कि, जो कि, जो कि ऋणात्मक का कार्य करता है, ऋणात्मक का कार्य करता करता है। फेरस किसको बोलते हैं? अरे फेरस किसको बोलते हैं पता है क्या? फेरस, फेरस किसको बोलते हैं? लोहे को नहीं बोलते क्या? अरे इतना नहीं पता क्या? टेंथ करके हो ना, सारी करके हो ना, तो ध्यान रखना, फेरस किसको बोलते हैं? लोहे को। दोबारा सुन लेना, जो आपसे इंपॉर्टेंट है वो ये पूछेंगे, इनके प्रति सेल वोल्टेज 1.2 से 1.5 वोल्ट होती है, इसकी दक्षता कितनी होती है? 72 से 80%। इसका एनोड किसका बना होता है? निकल का, नाम में छुपा होता है, और कैथोड किसका बना होता है? आयरन का। दोनों पे जो दोनों प्लेटें होती है वो किस वाले पे होती है? निकल हाइड्रेट की, निकल हाइड्रेट की, NiOH। चले आगे की होल्ड वाइज, इस सेल में निकल हाइड्रेट किसका काम करता है? धनात्मक प्लेट का। इसमें कुछ छोटी छोटी पॉकेट्स बनाई जाती है जिनमें क्या भरा जाता है? फेरस हाइड्रेट, जो कि काम करता है ऋणात्मक का। किसका काम करता है? ऋणात्मक। अब आपको याद क्या रखना है, नाम में छुपा आंसर को ध्यान रखना। निकल आयरन सेल, निकल आयरन, पहले नाम निकल का आ रहा है तो एनोड किसका बना होता है? निकल का। ऑप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। फिर क्या नाम आ रहा है किसका? आयरन का नाम आ रहा है ना, आयरन की फेरस। तो जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है? आयरन का। आयरन नाम मिले तो फेरस मिल जाएगा, क्या बात है? फेरस नहीं मिले तो क्या मिल जाएगा? लोहा मिल जाएगा। और आयरन को लोहा नहीं बोलते क्या? तो ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, कोई दिक्कत समझे परेशानी। अब देखते हैं चार्जिंग के समय, हालांकि आज तक पूछा तो नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। चार्जिंग समय एनोड पर, चार्जिंग के समय एनोड पर क्या बनता है? चार्जिंग समय एनोड पर बनता है NiOH की घात 4 बनती है। कितनी बनती है?
चार बनती है। चलूं आगे, और कैथोड पे बनता है, कैथोड पे बनता है फेरस प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। क्या बनता है ये आपको याद करना ही पड़ेगा। इसको तो बोलते हैं निकल हाइड्रोक्साइड, निकल हाइड्रोक्साइड, और इसको बोला जाता है फेरस, फेरस प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी एक सेकंड में याद करवा दूंगा सारे एक साथ, आराम से याद हो जाएगा। चलो आगे, याद करने का तरीका बताता हूं कैसे। इसमें निकल किसका बनता है भाई, एनोड किसका बनता है, एनोड पर क्या बनेगा निकल हाइड्रोक्साइड। कैथोड किसका बनाता है, आयरन, यानी कि फेरस का बनाता है, तो फेरस प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर डिस्चार्जिंग के समय भी लिख देता हूं ताकि याद हो जाए। डिस्चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय एनोड पर, एनोड पर बनेगा भाई निकल तो है, निकल OH तो था ही भाई, एनोड किसका बनाता है निकल हाइड्रेट का, तो बनाता है ये के, उसको काम भेज दो ऊपर भेज दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और कैथोड पे क्या बनेगा, कैथोड किसका बनाता है फेरस, बना किसका होता है बस फेरस, इस पे यही बने। इसका पहले मैं नाम लिखा चुका हूँ, याद करने के तरीके बता रहा हूँ कैसे याद करना है, बाकी तो आप जानो आपका काम जाना कैसे याद करोगे। चार्जिंग के समय एनोड, चार्जिंग समय एनोड, और पहले पता होना चाहिए एनोड और कैथोड बनता किसका है, एनोड बनेगा किसका निकल का, कैथोड बनेगा आयरन का। चलो आगे, तो चार्जिंग समय एनोड पे बनेगा निकल हाइड्रो ऑक्साइड, सेमी बनेगा, और कैथोड पे क्या बनेगा फेरस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डिस्चार्ज के समय क्या करें भाई, एनोड हाइड्रोड का तो बनाइए निकल हाइड्रोड का, प्लस में क्या भेज दो के, उसको ऊपर भेज दो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और फेरस पे क्या बनेगा, सॉरी कैथोड पे फेरस हाइड्रेट, जो पहले तो बना था ना फेरस हाइड्रेट बनेगा। कोई दिक्कत समझ से परेशानी यहां तक हो जाएगा क्या? इसके अंदर मैं कोई कोई चीज लिखनी थी, इसका इलेक्ट्रोलाइट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है कौन सा, यहां तक हो गया क्या? ऊपर वाले मिटा दो एक बार, चलो यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है KOH, KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, प्लस में होता है LiOH, LiOH लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड। KOH की प्रतिशत क्षमता होती है 21%, कितनी होती है 20%, और LiOH कितना बच गया फिर 79%। इनका प्रतिशत भी याद रखना। निकल आयरन सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या प्लस में लिथियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रतिशत क्षमता थी वो 21% होती है, और लिथियम हाइड्रोक्साइड की 79%। दोबारा एक बार रिवाइज करवाता हूं सारा, सेल पढ़ो आप, निकल आयरन सेल, निकल आयरन सेल आकार में छोटे होते हैं, लेड एसिड से सीधी सी बात है यूज कहां होता है, इनका मोबाइल फोन में होता है। दोबारा बता दूंगा जब इनका कंपैरिजन करेंगे, पर प्रतिशत वोल्टेज होता है 1.2 से 1.5 वोल्ट, क्षमता होती है 72 से 80% होती है। चलो आगे, अच्छा निकल आयरन सेल में पहले तो आपको पूछा जाएगा एनोड किसका बना होता है, एनोड निकल हाइड्रेट का, निकल हाइड्रेट या निकल का बना होता है। चलो आगे, कैथोड किसका बना होता है फेरस हाइड्रेट का, पीछे नाम में छुपा हुआ आंसर, दोनों पे लेपन किसका होता है निकल हाइड्रेट का, किसका लेपन होता है निकल। चार्जिंग के समय एनोड पर क्या बनता है निकल हाइड्रो ऑक्साइड, Ni की घात, OH की घात क्या बन जाएगी चार बन जाएगी। कैथोड पे क्या बन रहा है फेरस तो हाई, प्लस में क्या बन जाएगा KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। चार्ज फिर करेंगे डिस्चार्ज, बना किसका था निकल हाइड्रेट तो था ही, प्लस में कहां चला जाएगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और कैथोड पे क्या बन जाएगा फेरस हाइड्रेट जो पहले वाला था FeOH की वोल्टेज। कोई दिक्कत समझे परेशानी? सेम इसका दूसरा रूप पड़ेगा निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल, निकल जाएगा काम क्या आ जाएगा वहां पे कैडमियम, कैडमियम फिर आएगा तो उसका जो है एनोड किसका बनेगा कैथोड किसका बनेगा कैडमियम का। जहां जहां पे ये चीज आई है ना वहां पे जैसे फेरस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैडमियम, सीडी आ जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं होने वाला, वोल्टेज क्षमता सेम रहने वाली है, दक्षता सेम रहने वाली है, और एनोड सेम था निकल हाइड्रेट का बना होता है, लेकिन जो होते इस कैडमियम में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है कैडमियम प्लस लोहे का मिश्रण का बना होता है, तो कैडमियम का बना होगा वहां पे, क्योंकि यहाँ पे क्या नाम आ जाएगा कैडमियम। पहले इतना उतारो फिर बताता हूँ आगे। निकल आयरन सेल अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है निकल कैडमियम सेल,
निकल कैडमियम, कैडमियम सेल आ जाओ। ये भी क्या होता है, लेड एसिड से आकार में छोटे, लेड एसिड से आकार में छोटे, वो लाइन लिखेंगे नहीं, पहले लिखा चुका हूं। इसकी क्षमता लिख लो आप, इन सेलों की क्षमता सेम होती है 72 से 80%, 72 से 80% प्रति सेल वोल्टेज पूछेगा, प्रति सेल वोल्टेज, प्रति सेल वोल्टेज होता है 1.2 से 1.5 वोल्ट। चलो आगे, और क्षमता कितनी, 72 से 80%, लेड एसिड आकार से छोटे, तो सर हमको पूछेगा क्या वो बताओ, इस सेल में, इस सेल में दोनों प्लेटें, दोनों प्लेटों पर निकल हाइड्रेट का लेपन होता है, का लेपन होता है, और पहले वाले सेल में सेम ही था, तो किसका काम करेगा, धनात्मक का काम करेगा ना, पहले सेल पर डरा होता है, ये धनात्मक, धनात्मक प्लेट का कार्य करता है, का कार्य करता है, करता है, यानी कि क्या एनोड किसका बन गया, वापस पहला नाम निकल गया ना, तो निकल का बन गया, दूसरे लेन इस सेल में, इस सेल में, सेल में छोटी छोटी पॉकेट्स में, छोटी पॉकेट्स, या इस सेल का ऋणात्मक, सीधा लिख लो ना, पॉकेट्स तो पूछते नहीं कोई, इस सेल का ऋणात्मक, इस सेल का ऋणात्मक प्लेट, प्लेट प्लेट कैडमियम, कैडमियम प्लस लोहे के चूर्ण से, प्लस लोहे के चूर्ण से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है, बना होता है, तो देखना ऋणात्मक प्लेट किसकी बन गई, कैडमियम की बन गई कि नहीं बन गई, तो दूसरे नंबर का नाम किसका आ रहा है, तो ये कैथोड किसका बन गया, कैडमियम का, निकल आयरन सेल था, तो एनोड किसका था, निकल आयरन, निकल आयरन सेल, एनोड किसका बना था, कैथोड, बन गया नाम, ये कौन सा, निकल कैडमियम, निकल कैडमियम, एनोड किसका बनेगा, कैथोड किसका बनेगा, नाम ही आंसर छुपा है ना। चलेंगे अगला, वापस वही चालू कर दे, चार्जिंग के समय एनोड पर, वहां पर चार्जिंग समय एनोड पे क्या बना था, NiOH का चार, सेम ही बनेगा, एनोड तो सेम ही है, चार सेम हो रहा है, और कैथोड, कैथोड वहां पे क्या बना था, फेरस प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना था ना, ध्यान दे ले बेटा, फेरस प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां बन क्या बनेगा, सीडी प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फेरस हटा दो। चलो आगे अगला, फिर पूछेगा डिस्चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय, समय एनोड, डिस्चार्जिंग के समय एनोड, वहां पर डिस्चार्जिंग समय एनोड पे क्या बना था, निकल प्लस ओएस की वोल्टेज प्लस में पूरा ज्यादा ऊपर चला गया था ना, नीचे क्या बना था, कैथोड में बस सिंपल कैडमियम हाइड्रोक्साइड, इसने एक सेल ढंग से कर लिया, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो गया, इन सब के नाम पहले लिखवा चुका हूं, इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या, इलेक्ट्रोलाइट इसमें सेम ही होता, इलेक्ट्रोलाइट सेम ही है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, के आई ओ, के ओ एच प्लस में एल आई ओ एच, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, होता है पेस्ट के रूप में, किसके रूप में होता है, ये ध्यान रखना, ये नोट डाल के याद रख लो, इन सोलों में इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के रूप में होता है, किसके रूप में होता है, पेस्ट के रूप में होता है, जबकि द्वितीयक सेल में क्या था, द्रव के रूप में था, इलेक्ट्रोलाइट हिलता जाता नहीं किया उसका बैटरी में, तो वहां पे तो इलेक्ट्रोलाइट किसके रूप में था, द्रव के रूप, ये चेंज है दोनों में, अपन डिफरेंस पढ़ेंगे तब करूंगा, इसमें क्या होता है, पेस्ट के रूप में होता, कितना कितना परसेंट है, 21 और 79%। पेस्ट ही होता है जहां पे, ये ना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम आता है, ये किसके होता है, पेस्ट ही होता है ये सब, हाँ चले
एक बार ढंग से देख लो फिर चलते। आपके अभी तक जितने भी सेल थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनमें पढ़ेंगे अंतर, भाई जितने सेल पढ़े आप लोगों ने उनके बीच में अंतर करेंगे। जैसे द्वितीयक सेल पढ़ लिया, द्वितीयक सेल और निकल आयरन सेल में क्या अंतर है, फिर द्वितीयक सेल और निकल क्रेडियम में क्या अंतर है, फिर पढ़ेंगे निकल द्वितीयक सेल इन दोनों में मिला के दोनों में अंतर क्या है। सेल आपको कंप्लीट हो, अब पढ़ेंगे सेल का संयोजन वगैरह, दोष हो गए संयोजन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इसकी चार्जिंग अवस्था है, हाइड्रोमीटर से कैसे चेक करते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद आपके प्राथमिक सेल हो गए, द्वितीयक सेल भी सारे कंप्लीट हो गए। और कोई दिक्कत समस्या लग रही है पूछ रहे हो अभी, खड़े कर दो।